क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। यूपी में अंधा कानून है, यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की पुलिस जिस पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी है, वो अपनी इस जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है। हालत यह है कि बलात्कार की रिपोर्ट भी पीड़ित को कोर्ट के जरिए दर्ज करवानी पड़ रही है। इस पर बात विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले बुलंदशहर से हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट देखिए। खेत में सुजीत सिर्फ अकेला मिला है, हाथ पकड़ के रहता है, उसकी खेत में खींच दिया मक्का के, चाकू दिखा के मुंह में लत्ता घेर के मेरा लत्ता काट के सब बलात्कार किया। बलात्कार की पीड़िता का यह बयान यूपी में कानून व्यवस्था का असली चेहरा बयां करता है। साथ ही यूपी में कम अपराध का दावा करने वाली अखिलेश सरकार की पोल भी खोलता है। पीड़िता के आरोपों पर विश्वास किया जाए तो ये पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि पहले उसके साथ मारपीट की गई, फिर बलात्कार किया गया, और जब इतने से भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया। धमकी देते हैं, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। क्या बोला उन्होंने? बहुत गंदी गंदी गाली देता है और कहता है कि तेरी औरत पे तेजाब तो फिकाई फिकाया है, तो और तुझ पे भी हम डालते हैं। पुलिस भी पहचानती है उनको। तो क्यों नहीं पकड़ती पुलिस? ये मालूम नहीं क्यों नहीं पकड़ती है, ये पुलिस की प्रक्रिया है। साठ गांठ मिले झूले हैं, राजनीति में उनका दबाव है। इस पूरे मामले ने पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है। आरोपियों ने 6 अगस्त को महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की थी, लेकिन पुलिस ने पीड़िता के पति को शांति भंग करने का आरोपी ठहरा दिया। 9 अगस्त को एक आरोपी सुरजीता ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, पर खाकी वर्दी वालों पर फर्क नहीं पड़ा और पीड़िता की शिकायत तक दर्ज नहीं की। इसके बाद 2 सितंबर को कोर्ट के आदेश पर आखिरकार रेप का केस दर्ज हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया, लेकिन पुलिस अब भी इसे आपसी रंजिश बता रही है। बेसिकली तो दोनों पक्षों में काफी दिनों से विवाद चल रहा है, पड़ोसी हैं, एक ही बिरादरी के हैं, लेकिन जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग अवश्य करेंगे। बुलंदशहर अपराध को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहा है और पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। यही कारण है कि विपक्ष ने एक बार फिर अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना दिया है कि वो जंगल राज और गुंडा राज शब्द भी हल्के पड़ जा रहे हैं। कार्रवाई ऐसी होगी कि भविष्य में किसी बहन और बेटी के साथ कोई ऐसी शर्मनाक कार्रवाई करने की हिम्मत न कर पाए। इस घटना के बाद सवाल सिर्फ इतना है कि जब यूपी पुलिस के काम करने का यही आलम रहेगा तो अखिलेश सरकार में अपराध कैसे कम होंगे और कैसे कानून का राज चलेगा, क्योंकि कानून के रखवाले ही सोए हुए हैं। और इसी पर करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा, बीएसपी की नेता रतु सिंह, समाजवादी पार्टी से नेता नवाज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ बुलंदशहर से पीड़ित भी हमारे साथ है। सबसे पहले बुलंदशहर ही चलेंगे। आपसे जानना चाहूंगी, आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, आप किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार? इस हमारी हालत का जिम्मेवार बुलंदशहर पुलिस है। अगर इस ये लापरवाही हमारे साथ पहले से ना होती तो आज हमारी पत्नी हॉस्पिटल में तेजाब से नहलाई हुई ना होती। क्या कहा था पुलिस ने जब आप पुलिस के पास गए? कह रहे हैं कि ये उल्टा केस तुम पे ही ला देंगे। हम पुलिस के पास हर घटना में गए हैं, कप्तान साहब के पास भी, आला अधिकारी सबके पास गए हुए हैं हम सब ने। किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी और कह देते हैं कि झूठा केस है, आपसी रंजिश में एक तुम केस बना रहे हो, और ये झूठा बनाते बनाते आज हमारी ये हालत हो गई है कि आज हम अपनी सांसें पूरी कर रहे हैं हॉस्पिटल में। ये पुलिस बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई है, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, नावेद सिद्दीकी साहब, इसका जवाब है आपके पास? जी जी, जवाब है।
नवजोत जी, ऐसा है कि अभी जो कहा ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, बहुत अफसोस की बात है, निंदनीय घटना है, अपराध है, ये हम मानते हैं। और ऐसी घड़ी में हम परिवार के साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी ऐसे परिवार के साथ हमेशा रहते हैं। पर आपकी पुलिस उनके साथ नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी इन्होंने, अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं की, मेरी बात अभी नवजोत जी खत्म नहीं हुई। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी पुलिस ने, जैसा कि बयान आपने सुना है, अभी जो आपने बाइट सुनाई, उसमें पुलिस ने ये कहा है कि दो पक्षों में आपस में पुरानी कोई रंजिश थी या क्या था। तो अब ये क्या था, ये सारी जांच, ये तो जांच पुलिस ही करेगी, जांच टीम करेगी, जो भी जांच टीम कर रही है उसको, नावेद साहब, तो वो करके सारे तथ्य लेकर के आएगी। जी नावेद साहब, ठीक है, पुलिस जांच करेगी, लेकिन अगर कोई पीड़ित परिवार जाता है, कहता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, ठीक है, आपसी रंजिश का वो मामला अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम रिपोर्ट तो दर्ज कराई जाएगी या फिर कोर्ट के जरिए पूरा मामला दर्ज होगा। हाँ, ये हम मानते हैं कि ये गलती है, रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, और रिपोर्ट जिन अधिकारियों ने, जिन, चाहे पुलिस का कोई भी स्टेशन ऑफिसर हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, चाहे जो भी हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये हम आश्वासन देते हैं आपके सामने, आपके चैनल के ऊपर, राष्ट्रीय चैनल है, सम्मानित चैनल है, हम ऐसे अधिकारियों के ऊपर, ऐसे पुलिस के जितने भी ऐसे अफसर हैं, इनके ऊपर हम कार्रवाई जरूर करेंगे, और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि ये लोग याद रखेंगे कि जिंदगी में इस तरीके की चीजें, हमारी जनता के साथ कोई परेशानी दिक्कत ना हो, और किसी के भी दबाव में अगर उन्होंने ये काम किया है कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी है, उनको वहां से हटा दिया है, उनको भगा दिया है, तो ऐसे पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये आपके राष्ट्रीय चैनल पे एज अ प्रवक्ता होने के नाते, मैं समाजवादी पार्टी का, मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस पीड़ित परिवार को। जी ठीक है, ऋतु सिंह आपसे सवाल करना है। ऋतु जी बोलिए, बहुत नूपुर में आपके पास 4 साल हो गए, इस तरह के आप हमेशा कहते रहते हैं कि मतलब जितने भी आपके प्रवक्ता आते हैं कि हम एक्शन लेंगे, हम उन पुलिसकर्मियों को निकाल देंगे, लेकिन 4.5 साल में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती आती है और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते। आप बताइए, हर बार अब जो चीज बीत चुकी है अब उसको कैसे वापस किया जा सकता है, आप बताएंगे मुझे। मतलब जिस तरह की महिलाओं के साथ आए दिन की, आपके 4.5 साल में रोज नई घटना सामने आती है, और एक घटना नहीं होती है, रोज कई घटनाएं होती हैं, और आपकी पुलिस तब भी क्या कहते हैं कुछ एक्शन में नहीं आती है, और आप लोग हैं, आप लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, आप लोग अपनी फैमिली मैटर में, अपने फैमिली उसमें, मतलब इतने झगड़े में इतने वो है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपका फैमिली झगड़ा ही आप लोगों का खत्म नहीं होता, आप किस तरह काम करेंगे, आप मुझे बताएंगे। नूपुर, मैं इसका जवाब नावे जी आपसे लेते हुए, नूपुर को भी इंक्लूड कर लेते हैं साथ ही साथ। नूपुर बोलिए। मैं बहुत एक अहम मुद्दे पे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रही हूँ। मैंने ये सुना कि आपसी रंजिश है, आप कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन पुलिस कोर्ट और कानून से ज्यादा नहीं जानती है। ऐसा क्या हुआ कि रेप के बाद 1 महीना लग गया, कोर्ट में जाना पड़ गया एक FIR दर्ज कराने के लिए। पुलिस भी तो करवा सकती थी, और अगर टाइम पे करवा लेती तो शायद रेप होता ही नहीं। पहले छेड़छाड़, फिर उसके बाद रेप, 2 बारी पीड़िता ने जब पुलिस के पास गई तो पुलिस ने अनसुनी कर दिया। ऐसी क्या लाचारी है, ऐसा क्या ढीलापन है, क्योंकि कुछ हाल ही में पहले बुलंदशहर में एक माँ बेटी का बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था, तब इतनी बद से बदतर हालत थी कि जब बुलंदशहर के सांसद ने कोशिश करी के संसदीय जब सत्र चल रहा था तो उसको पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में इस चीज को उठाएं और डिस्कस करें, तो इनके समाजवादी पार्टी के जितने तमाम 4-5 इनके सांसद हैं वो वेल ऑफ द हाउस में आकर हल्ला मचाने लगे। मतलब कि उनके लिए महिला सुरक्षा और महिलाओं की इज्जत इतनी छोटी चीज है कि उन्होंने ढंग का डिस्कशन भी अलाउ नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर। तब इनके मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, क्योंकि कानूनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की एक प्रदेश राज्य सब्जेक्ट है, तब इनके मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था आप मीडिया कर्मियों से बात करके कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, चाहे वो संसद में तो सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 1 महीने ऐसी घटना होती थी कि अनुपुर जवाब दे देते हैं, तो कोर्ट ने तो FIR करी। खुद मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने तमाम आला पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 0 टॉलरेंस है किसी भी अपराध के खिलाफ। और अगर आंकड़े साथ ही साथ हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, आंकड़ों को देखा जाए तो कहीं से नहीं लगता कि पुलिस जो है वो आपसे डरती है। कार्रवाई की बात आप लोग हमेशा कहते हैं, लेकिन ये बताएं कि पिछले 4 साल में या पिछले 6 महीने में लगा लीजिए, जितने मामले हुए, कितने पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, कितनों को आपने निकाल दिया, कितनों पर कार्रवाई की है।
देखिए ऐसा है, आंकड़ों की बात आप करेंगी तो अगर आप बताती तो हम आंकड़े भी लेके आते। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि जीरो टॉलरेंस, सुनिए, नहीं मैं आपको बता दूं, वैसे भी देखिए जीरो टॉलरेंस के लिए बात की थी मुख्यमंत्री जी ने, कहा था बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा था इस पे कंट्रोल करना है, इस पे लगाम लगानी है, और जो लगाम नहीं लगाएगा, जो इसमें सक्षम नहीं होगा लगाम लगाने में, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था और उन्होंने ये साफ कह दिया था, साफ मैसेज दिया था, संदेश दिया था। लेकिन इसके बाद हमने ये कहा कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो सबसे पहले तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर, ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर हम एक्शन लेंगे, हमारी सरकार एक्शन लेगी कि ऐसी चीजें जो है दोबारा ना हो। दूसरी चीज जो कि मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं अभी नुपुर जी बैठी थी, आप सुनिए, तो अभी नुपुर जी भारतीय जनता पार्टी से नुपुर जी बैठी हुई है, और खास तौर से एक तो नवजोत जी आप हो गई, ऊपर से आपने दो महिलाओं को और बुला लिया है, तीन महिलाओं के बीच में आपने मुझे बैठा दिया है, और महिलाएं अगर बहादुर हो तो फिर कैसे बोल सकता है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए सवाल उठा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं, आप खुद सोचिए। और ऊपर से आजम खान के जो बयान, आजम खान कहते हैं, आजम खान इस तरह की घटनाओं को एक सियासी रंग दे देते हैं। देखिए नहीं, वो अब पुरानी बात कहना चाहिए, इधर हम जो बात कर रहे हैं इससे कहिए, नुपुर जी जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है, मैं नुपुर जी से एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए अब मेरी बात सुनिए पहले, नुपुर जी आपने हमारे सांसदों पर इल्जाम लगा दिया कि आते हैं ऐसे कहते हैं, ये बताइए आपके सांसद जब मुल्क को बांटने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा क्राइम है इसी मुद्दे पर रहना नहीं नावे जी, उसके आप क्यों नहीं रोकते? दूसरे मुद्दे पर नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर ही रही है। नहीं आप देखिए नवजोत जी यहाँ से, अगर सपा के नेता अखबार पढ़ते हो तो इनको पता होगा कि बुलंदशहर के बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, बुलंदशहर का गैंगरेप दो बार हमारे दो सांसदों ने उठाया है, आज एक और बुलंदशहर में इतना बड़ी घटना हो गई। एक चीज मतलब आप लोग शायद सो रहे हैं, आप लोग जाग ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है, मतलब आपके प्रदेश में किस तरह आपको काम करना चाहिए, नीचे किस तरह लोगों को जागरूक करना चाहिए, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप बोलिए में ही लड़ाई झगड़े में इतने मस्त हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फैमिली से ही नहीं निकल पा रहे। उत्तर प्रदेश, एक सेकंड ऋतु जी, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन है, तो उसमें एक्शन आप अपने खिलाफ लेंगे क्या इस बारी? क्योंकि पिछली बारी जब माँ बेटी का रेप हुआ था और पुलिस कर्मियों ने अपना काम नहीं किया था, मैं ये नहीं कह रही हूं कि देश भर में कहीं भी महिलाओं के साथ पीड़ा नहीं होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा ही क्यों है कि मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी बड़ी गारंटी देने के बाद भी पुलिस आपकी नहीं सुनती और पुलिस आपके ही अधीन है? आप नावे जी इसका जवाब रख दीजिए, ये सवाल मैंने भी आपसे किया था, नावे जी इसका जवाब रखिए। इसका जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ये उत्तर प्रदेश में होता है, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि अपने गिरेबान में झांक के देखें, अपने तरफ जरा एक आईना देखिए। देखिए मेरी बात नहीं खत्म हुई, आप लोग बात नहीं करने दे रही हैं, भाई आप बात कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे बैठने से फायदा क्या? आप सुनिए मेरी बात, अच्छा आप मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सुनिए नावे जी, कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई? यही तो बहुत बड़ी कमी है, यही तो कमी है कि आदमी यहाँ सुनना नहीं चाहता है। जब आदमी अपनी बात कर रहा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा सुन लीजिए दूसरे को भी, अगर सवाल करती हैं तो उनसे सवाल तो सुन लीजिए क्या जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, हम आपकी बात बड़े अदब से सुनेंगे। नहीं ठीक है, हमें उनका जवाब चाहिए, जवाब भी सुन लेते हैं एक बार, क्योंकि उन्हीं को जवाब देना है। बोलिए नावे जी। जी जी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर इल्जाम लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं, जो उनकी मुअज्जिज यहाँ पर खातून बैठी हुई हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि ये बताइए, आप जरा एक नजर मध्य प्रदेश को देख लीजिए, सबसे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश वुमेन के क्राइम में सबसे ज्यादा है, बच्चों के शोषण में और महिलाओं के क्राइम में, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान दलील नहीं, आपकी सरकार आप जवाब किसी की भी सरकार हो, महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए? नहीं नावे जी, ईमानदारी से बताइए क्या इसमें सियासत होनी चाहिए? क्या आप कंपेयर करेंगे? नहीं, आप यूपी में यहाँ से नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, आप बताइए, हम दूसरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो आप ही तो बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? नवजोत जी, सियासत नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, सियासत हम नहीं कर रहे हैं,
सियासत आप कर रही हैं और आप साफ कर रही हैं और ये साफ लोग देख भी रहे हैं, जनता समझ रही है। जब मैं कोई बात करता हूँ तो आप मुझे उसको रोक देती हैं, कहती हैं आप, कहती हैं आप, सुनिए नहीं आप सवाल नहीं, नवजोत जी आप, जब मैं जवाब देता हूँ तो जब देखिए जब मैं जवाब देता हूँ तो आप कहती हैं कि नहीं आप दूसरे ट्रैक पे ले जा रहे हैं डिबेट को। और अभी आपकी जो कैंडिडेट बैठी हुई है ये परिवार की बात, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे बात नहीं करने देती। नवजोत जी क्यों कंपैरिजन करते हैं, महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध किसी भी प्रदेश में वो निंदनीय है, किसी की भी सरकार हो वो जिम्मेदार है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सपा हो बसपा हो, किसी की भी सरकार हो वो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ पे मुद्दा दूसरा है नावे जी, नवजोत जी सुनिए एक मिनट, ऊपर पूरे एक मिनट नावे जी से जवाब ले लूं मैं, लौट के लोगों को बोल लेने दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। नावे जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सुनूंगा, क्योंकि आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही है, आपने सिर्फ मुझे बैठाया है। नहीं जवाब नहीं देंगे इसलिए क्योंकि आपने बैठाया है यहाँ के समाजवादी पार्टी यहाँ पर घर में बैठे, नहीं इसलिए नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप समाजवादी नहीं, जवाब देने देंगे तो आपको देंगे ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, जवाब तो मैं दे रहा हूँ लेकिन आप देने देंगे जवाब? रितु जी एक मिनट, रितु जी एक मिनट, कमाल करती हैं भाई, कमाल करती हैं आप लोग, कमाल करती हैं, जब जवाब देना चाहता हूँ जब बोल रहा हूँ तब आप बोलने नहीं दे रही हैं, जब जवाब नहीं देता हूँ तो आप कहती हैं बोलिए, जवाब नहीं दे रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की तरफ से जवाब नहीं दे रहे हैं, सियासत आप राज्य में हाँ नुपुर ले रहे हैं जवाब, बस एक मिनट मेरी रिक्वेस्ट है नुपुर और ऋतु जी से, 30 सेकंड रुक जाइए, नावे जी को हम 30 सेकंड देते हैं, नावे जी जवाब रख दीजिए। लेकिन 30 सेकंड तक कोई बोलेगा नहीं, हम शुरू करते हैं। देखिए रितु जी ऐसा है, आप इल्जाम हमारे ऊपर ना लगाइए, क्योंकि आपके जमाने में क्या क्या हुआ था, जितने भी सीएमओ की हत्याएं और क्या क्या नहीं हुआ था, जन्मदिन के लिए पैसा ना दिया गया तो इंजीनियर मार दीजिए, ये सारी चीज क्या, ये क्या घटना है आपके, देखिए 30 सेकंड हमारे नहीं खत्म हुई, देखिए 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 30 सेकंड नहीं, अभी 5 सेकंड भी नहीं हुआ, 5 सेकंड भी नहीं हुआ, नवजोत और ऋतु जी बीच में बोल दी, 5 सेकंड भी नहीं हुआ, ऋतु जी बीच में बोल दी, मैं क्या बात अपनी जवाब, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप बोलिए नावे जी, कमाल करती हैं, बोल लीजिए आप ही लोग बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, आप तब मध्य प्रदेश की बात ले गए, ऋतु जी, ऋतु जी एक मिनट ऋतु जी आप सवाल कर रही हैं, वो सही कह रहे हैं, ठीक है वो सही कह रहे हैं, हम सवाल अगर कर रहे हैं तो जवाब हमें मिलना चाहिए वहां से, मैंने रिक्वेस्ट किया है, आप नोट कर लीजिए जो भी वो बात, अगर आपको लग रहा है कि आप पर आरोप लग रहा है तो उसका जवाब आप बाद में रखिएगा, नावे जी पहले अपनी बात रख लीजिए, नावे जी बोलिए जी। नवजोत जी ये बात आपने सही कही कि बाद में वो अपनी बात रखें, देखिए ऐसा है हमारे ऊपर इल्जाम लगता है, हम लगातार काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने चाहे 1090 जैसी, किसी दिन आप आइए लखनऊ में आकर के हमारे 1090 का ऑफिस विजिट कीजिए, यहाँ देखिए कितनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या ठोस कदम अखिलेश जी ने उठाए हैं, जो हेल्पलाइन उठाई है, जो पावर लाइन उन्होंने नाम ही दिया है वुमेन पावर लाइन, हेल्पलाइन नहीं, उन्होंने महिलाओं को मजबूत करने के लिए कहा कि नहीं हम आपको हेल्पलाइन नहीं, आपको हेल्प की जरूरत नहीं, आपको पावर की जरूरत है, तो अखिलेश यादव जी ने उनको पावर की हेल्पलाइन ये हमारी हेल्पलाइन दी। लेकिन हम दूसरी गुजारिश भारतीय जनता पार्टी से, ये केंद्र सरकार से ये करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आपस में बैठ करके मिल के हम लोग ये बात करें कि इस तरह के कानून कुछ ऐसे नए बनाए जाएं, ऐसा कानून एक बनाया जाए जैसा कुछ कानून दूसरे मुल्कों में है, कि जो लोग ऐसा क्राइम करने की सोचते हैं, जो किसी महिला के ऊपर तेजाब फेंकने की सोचते हैं, जो किसी महिला के तेजाब फेंकने की सोचते हैं, जो किसी के साथ रेप करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या हश्र होना चाहिए, सख्त सजा, ठीक है नुपुर, आपने हेल्पलाइन गिनवा दी और यही हेल्पलाइन का नतीजा जो लोग इस हेल्पलाइन को चला रहे हैं उन्हीं के साथ इस तरीके की घटना हो रही है। नुपुर बोलिए, एक तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी उन्होंने मध्य प्रदेश को गिनाया, मुझे आप कोई भी प्रदेश बता दीजिए जिसमें एक के बाद एक बलात्कार होते रहते हैं, गैंगरेप होता रहता है और एक महीने तक पुलिसकर्मी शिकायत भी दर्ज नहीं करती, मैं आपको गारंटी करती हूँ ऐसा कोई प्रदेश नहीं, सारे उत्तर प्रदेश के। दूसरी बात आपने नहीं है, नहीं आंकड़े देख लीजिए, उत्तर महाराष्ट्र आंकड़े नहीं है, नहीं है, एक महीने तक आप सही करते हैं, ठीक है ठीक है, मैं एक बार सॉरी टू से यू आर नॉट कंप्लीटली, यू आर नॉट डन योर होमवर्क, नावे जी आपने कहा पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, शुरुआत में आपने कहा IBN 7 पर आपने एडमिट किया कि कार्रवाई होगी, डेडलाइन मैं जानना चाहूंगी कब तक कार्रवाई होगी, 6:45 का वक्त है अभी, आज की तारीख नोट कर लीजिए, पुलिस वालों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में, नावे जी अच्छा मेरी बात सुनिए, नहीं मैं एक मिनट दीजिए अपनी, दूसरी बात अखिलेश जी, नहीं नहीं नवजोत जी सुनिए, नवजोत जी पहले मेरी बात सुनिए, दूसरा नंबर एक मिनट नवजोत जी, नावे जी मेरे सवाल का जवाब रखिए, नावे जी मेरे सवाल का जवाब रखिए जल्दी से, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, नुपुर एक मिनट,
इनको तो खामोश, हमने इनकी बात सुनी, इनको बताइए कि राष्ट्रीय चैनल पे कैसे बैठा जाता है, किस तरीके से बात की जाती है, इनको समझाइए तो। ठीक है, वो समझाइए नहीं, सिखाने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को सिखाने की जरूरत है, हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, नहीं जनता कमी सिखाएगी। अरे आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लग रहा है आपको इंसाफ मिलेगा? रुक जाइए, जनता सब समझती है, जनता जानती है, सारी चीज जनता देखती है। आपको लग रहा है इंसाफ मिलेगा? आपको अभी हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हाँ। अभी हमको कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, और यहाँ के बुलंदशहर की पुलिस कहती है कि तुम्हारे भाइयों को किसी न किसी केस में, लूट फसाद के में फंसाया जाएगा, तब तू काबू देगा। ठीक है नावेद सिद्दीकी जी, बस 10 सेकंड में जवाब चाहूंगी, ये पुलिस बाद में कह रही है। आपने देखा पीड़ित ने सीधे तौर पर कहा कि उसको उम्मीद नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या इंसाफ दिला पाएंगे इनको? बिल्कुल इंसाफ दिलाएंगे, ये हमारे भाई हैं, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आप कानून पे भरोसा रखिए, आप सरकार पे भरोसा रखिए, आप हमारे वजीर आला उत्तर प्रदेश पे भरोसा रखिए, हम आपसे वादा करते हैं, डेडलाइन देंगे आपको, हम आपसे वादा करते हैं, देंगे कार्रवाई की जी। डेट नहीं, देखिए डेट किसी चीज की नहीं हम दे सकते, क्योंकि हर चीज की प्रक्रिया होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। ये जरूर कहा कि कार्रवाई होगी पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन कब तक होगी ये पता नहीं, और पीड़ित सीधे तौर पर ये कह रहा है कि उसे उम्मीद नहीं है कि उसे इंसाफ मिलेगा। रुकेंगे एक मिनट।